तो भाई दो फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं MediaTek Dimensity 1200 के साथ, एक है OnePlus का Nord, एक है Poco F3 GT। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, DMs आ रहे थे, Instagram, Twitter, YouTube हर जगह मैसेज आ रहे थे इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इनको कंपेयर, आपको कौन सा बढ़िया लेना चाहिए फ़ोन, ये वाला या ये वाला। आज की वीडियो में क्लियर करूंगा मेरा क्या ओपिनियन है और आप भी देख सकते हैं दोनों की परफॉर्मेंस। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। पोको शुरू होता है 27,000 रुपये में, वहीं नॉट शुरू होता है 28,000 में, मगर नॉट में बेस वेरिएंट अभी दो महीने नहीं आएगा। और 8 GB वेरिएंट की बात की जाए तो एक का है 28,000, एक का है 30,000। तो आपको आपका क्या बजट है आप उसी हिसाब से सोच सकते हैं। और लुक्स वाइज मैं कहूँगा दोनों ही काफ़ी शानदार लग रहे हैं। दोनों ही फ़ोन में आपको ग्लास बैक का सपोर्ट मिलेगा विथ कॉर्निंग गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन। जो हमारा पोको का फ़ोन है वो गेमिंग स्टाइल में बनाया हुआ काफ़ी धांसू लग रहा है, और जो हमारा वन प्लस है वो थोड़ा डिसेंट लुक में आ रहा है, मगर देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं दोनों के दोनों। दोनों ही फ़ोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है विद फ्लैश, और पोको में फ्लैश थोड़ी स्टाइलिश बनाई है, और जो हमारी वन प्लस की है वो नॉर्मल सिंपल सी है। साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन मिलेगा वन प्लस में, वहीं पोको में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ पावर ऑन बटन मिलता है विद ट्रिगर्स। वहीं हमारे वन प्लस में आपको मिलते हैं अलर्ट स्लाइडर, जी हाँ अलर्ट स्लाइडर वापस आ चुका है। टॉप की बात की जाए तो वन प्लस में सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन है, वहीं पोको में आपको एयर ब्लास्टर, माइक और स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, ये पोको का बेनिफिट कह सकते हैं। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम की मिलेगा और एक और माइक मिलेगा पोको में। पोको में मिलता है आपको मेटल फ्रेम, वहीं हमें वन प्लस में मिलेगा आपको प्लास्टिक का फ्रेम। और बॉटम में हमें मिलेगा सिम ट्रे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और डुअल स्पीकर और माइक दोनों ही फ़ोन्स में। सिम ट्रे की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, और UFS 3.1 और LPDDR4X का सपोर्ट है। वेट की बात की जाए तो पोको का फ़ोन आता है 207 ग्राम्स का, वहीं हमारा वन प्लस नॉट 2 आता है 190 ग्राम्स का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना चल पड़ता है और इतने भी बंदे हम कमज़ोर नहीं हैं। साइज़ और डायमेंशंस की बात की जाए तो भाई जो हमारा वन प्लस है वो काफ़ी हैंडी फ़ोन है, और जो पोको का फ़ोन है वो थोड़ा वाइड और थोड़ा बड़ा है जैसे आप देख सकते हैं। और थिकनेस के मामले में दोनों की 8.3 mm थिकनेस है, मगर पोको का फ़ोन थोड़ा ज़्यादा आपको थिक लगेगा। वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों में सिंगल पंच होल मिलता है, एक में मिडल में, एक में लेफ्ट साइड में। ब्रिजल्स ऑलमोस्ट छोटे हैं, मगर चेन वन प्लस नॉट का थोड़ा मुझे बड़ा लगा। फ्लूइड एमोलेड मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ हमारे वन प्लस नॉट में, वहीं पर एमोलेड पैनल मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ हमारे पोको F3 GT में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं है 90Hz रिफ्रेश रेट और 120 में, मगर काफ़ी लोगों को ये मायने रखता है। दोनों ही फ़ोन्स में टच सैम्पलिंग रेट का बहुत डिफरेंस है, हमारे पोको में मिलता है 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट, वहीं हमारे वन प्लस में सिर्फ मिलता है 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, जो मुझे काफ़ी हद तक कम लगा, क्योंकि 28,000 से 30,000 का ये फ़ोन बेच रहे हैं तो भाई 360 तो देना ही देना बनता था, या 240Hz को तो देना ही बनता था। बाकी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपकी अपनी पसंद है। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि इतना मैटर नहीं करता। चलो एनी हाउ हम बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो Antutu चलाया है, दोनों का सेम प्रोसेसर है, मगर स्कोर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। 6,91,000 आया है मेरे पोको वाले फ़ोन में, वहीं 5,50,000 के पास आया है हमारे वन प्लस नॉट 2 में। तो ये शायद मेरा चाइनीज़ वर्जन है इस करके स्कोर ज़्यादा है, बाकी हमारा ग्लोबल वर्जन भी जल्दी आ जाएगा तब हम एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। वहीं अगर Geekbench की बात की जाए तो इसमें भी पोको ने बाजी मारी है, सिंगल कोर 807 और मल्टी कोर 2833, वहीं वन प्लस में 654 और 2211। तो बेंचमार्क के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा स्कोर आया है हमारे पोको F3 GT का। एक बार 3D मार्क में FPS मीटर भी ट्राई कर लेते हैं क्या स्कोर आता है, और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ये चीज़ है, अगर आपको हैंडी फ़ोन्स पसंद है तो वन प्लस नॉट 2 आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, अगर बड़े फ़ोन्स का शौक है तो आपको वन प्लस नॉट 2 ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस दोनों में आ जाता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही आए हैं, थोड़ा सा वन प्लस नॉट का स्कोर ज़्यादा है 4202, और FPS ने मेंटेन किया है 25.20 वहीं 24.90, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें भी। एवरेज फ्रेम रेट भी 16 से 32 FPS, वहाँ पर 16 से 31 FPS, तो ऑलमोस्ट सेम ही दोनों में आया है। पबजी अगर आप खेलना पसंद करते हो बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगा पोको ले लेना, सोचना भी वन प्लस की तरफ, मगर अगर नॉर्मल देखा जाए तो ग्राफिक्स देखा जाए तो हमारे पोको वाले फ़ोन में मुझे वेरिएंट में डिफ़ॉल्ट में अपडेट के बाद स्मूथ प्लस 90 FPS मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं।
ये चीज़ काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं मिली मगर मेरे फ़ोन में आ चुकी है। वहीं हमारे वन प्लस नॉर्ड में स्मूथ प्लस सिर्फ एक्सट्रीम की ऑप्शन है, मे बी फ्यूचर में अपडेट करके वन प्लस ये फिक्स कर दे। HDR अल्ट्रा में दोनों में ही सपोर्ट मिलता है, अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट नहीं मिलता, मगर स्मूथ प्लस 90 FPS रियली कमाल का है। मैंने गेम प्ले भी डाला था, आपको ऊपर आई में दे दूंगा, वहाँ देख के जा सकते हो वो गेम प्ले देखना। इसके बाद करते हैं काइनमास्टर जी, अगर आप वीडियो रेंडर करते हो तो किसकी स्पीड कितनी बढ़िया है और कौन से ग्राफिक्स में कौन से फ्रेम रेट में हम कर सकते हैं, तो दोनों में कुछ वीडियोस की फोटोज़ डाल देते हैं, उसके बाद एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल दोनों में आपको 4K की ऑप्शन मिल जाएगी 30 FPS के साथ। तो हम एक रेंडर करते हैं छोटी सी वीडियो और देखते हैं किसका ज़्यादा स्पीड पे होता है और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। मेरा OnePlus Nord 2 12 GB वाला वेरिएंट है, वहीं Poco F3 GD 8 GB वाला वेरिएंट, तो शायद Poco को ज़्यादा हेल्प ना मिले, मगर स्पीड के हिसाब से Poco थोड़ी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है, वहीं OnePlus Nord थोड़ा स्लो है। यहाँ पर OnePlus नहीं हुआ और Poco हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट आ गई है, एक ये चीज़ है Xiaomi में, देखते हैं Poco में एडवर्टाइजमेंट आती है या नहीं आती, तो इसमें भी आ गई, दोनों में ही एडवर्टाइज, काइनमास्टर का ही नुक्स है। तो रेंडर्स दोनों ने बहुत जल्दी कर लिया है मगर Poco ने थोड़ी बाजी मार ली, मगर 4K 30 FPS में आपको दोनों में मिल जाएगा रेंडर करना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टच सैम्पलिंग रेट आपको दिखा देता हूँ, मैंने टच सैम्पलिंग चेकर लगाया है, तो हमारे Poco वाले कहते हैं 480 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट सपोर्ट करता है, वहीं हमारा OnePlus कहता है 180 हर्ट्ज़ का, तो इसमें आ रहा है ऑलमोस्ट 500 हर्ट्ज़, वहीं हमारे OnePlus में आ रहा है 180, मतलब मैक्सिमम 200 हर्ट्ज़ तक गया था। तो ये मुझे एक बड़ा ड्रॉबैक लगा OnePlus Nord 2 में, मतलब थोड़ा बहुत आपको लैगिंग फील आपको हो सकती है। दोनों में फेस अनलॉक काफ़ी क्विक है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत जल्दी अनलॉक हो जाता है, बहुत ही क्विक है दोनों ही दोनों। और वहीं पर हमारे Poco में मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं हमारे OnePlus में मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। मेरे को इन डिस्प्ले पसंद है तो मैं Nord की तरफ जाऊंगा, मगर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। हैप्टिक फीडबैक की बात की जाए तो मुझे दोनों में काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक मिला, और दोनों ही फ़ोन में एक्स लीनियर मोटर सपोर्ट करती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। Poco में आपको एक डिफरेंट चीज़ मिलती है, जो है इसके ट्रिगर्स, जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छे, अगर पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना पसंद करते हो तो ये आपको काफ़ी काम आएंगे। तो मैं कहूँगा अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो, मेरी फर्स्ट चॉइस है Poco। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है। OnePlus Nord में मिलता है 50 MP का सोनी IMX766 वाला प्रोसेसर, 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP का मोनो लेंस मिलता है। वहीं हमारे Poco में मिलता है 64 MP का ओमनी विजन वाला प्रोसेसर, 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP का मोनो लेंस। वहीं फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो OnePlus में मिलता है 32 MP का सोनी IMX615, वहीं हमारे Poco में मिलता है 16 MP का फ्रंट कैमरा। तो दोनों ही फोन्स में आपको 10x का डिजिटल जूम मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। बस OnePlus में मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी, इसमें जो OIS है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। तो Poco है हमारा लेफ्ट साइड पे और OnePlus है हमारा राइट साइड पे, तो नेचुरल पिक्चर्स कलर काफ़ी अच्छे OnePlus ने लिए हैं पिक्चर्स में, जैसे आप देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा किया गया है OnePlus की तरफ से, जो हमारा Poco नहीं कर पाया। वैसे मेरा ये चाइनीज़ वेरिएंट है Redmi K40 गेमिंग, मगर इंडिया में ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट होती है, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कैमरे के लिए अगर आप फ़ोन देखते हो या कैमरा आपका मेन प्रायोरिटी है, तो OnePlus आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे देख सकते हो वो रेड कलर का बोर्ड पढ़ा भी नहीं जा रहा, जो OnePlus में पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं लूलू दिख रहा है हमारे OnePlus वाले में, Poco में नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपका मेरा कैमरा उल्टा हो गया, Poco हमारा राइट पे चले गया और OnePlus लेफ्ट में। तो इसमें भी मैं कहूँगा ज़्यादा कलर सारा फोकस ज़्यादा बढ़िया चीज़ हमारी मिलती है OnePlus के फ़ोन में। बाकी आपको दोनों में से कौन सा बढ़िया लगा कैमरा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी रियर की OIS चेक करने के लिए, वो हम देख लेते हैं किसका ज़्यादा बढ़िया है। तो OnePlus Nord 2 एंड हमारा Poco F3 GT, ये मैं रेयर कैमरे में 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हैं किसका कैमरा ज़्यादा बढ़िया है और किसका बढ़िया नहीं लग रहा। वैसे मुझे थोड़ा OnePlus का ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। थोड़ी तेज़ वॉक करते हैं और देखते हैं आगे का रिजल्ट। तो OIS काफ़ी बढ़िया लगा मुझे OnePlus में। तो आप अपना राय अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको
कौन सा कैमरा ज़्यादा बढ़िया लगा। तो लास्ट में बात कर लेते हैं इनकी बैटरी की। पोको में मिलती है 5000 mAh की बैटरी, वहीं वन प्लस में मिलती है 4500 mAh की बैटरी। वन प्लस में मिलता है 65 वॉट का वरॉप चार्ज, जो कंपनी कहती है 30 मिनट में 100% चार्ज कर देगा। वहीं हमारे पोको में मिलती है 67 वॉट का चार्जर, जो मैंने टेस्ट किया था वो 48 मिनट्स में चार्ज कर देता है। तो काफ़ी हद तक ऑन फिगर्स हमें पोको बढ़िया लगता है, मगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, इसके UI की जो ऑक्सीजन OS है वो काफ़ी मच बेटर मिलेगा आपको MIUI से, और मेरे हिसाब से जो इसका ब्रांड वैल्यू है वन प्लस की वो ज़्यादा अच्छी है पोको से। तो काफ़ी चीज़ों में पोको बढ़िया है, मगर अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हो और गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन पोको F3 GT होगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। अगर कुछ पूछना चाहते हो इन दोनों फ़ोन्स के बारे में या कोई और कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।